Kinga, Kinga, Style Kinga, Kinga, Style Kinga, Kinga. ड्रग माफिया, ये नाम सुनते ही हमें सबसे पहले याद आता है क्राइम, लेकिन ये तो सिर्फ एक चेहरा है, इसका एक और चेहरा है बिजनेस। आज के दिन ड्रग माफिया बरगद के पेड़ की तरह फैलकर बड़ा हो चुका है, उसकी शाखा हमारे कर्नाटक तक भी फैली हुई है। पूरे कर्नाटक का ड्रग माफिया मैसूर से ऑपरेट होता है। उसको कंट्रोल करने वाले का नाम है ड्रग लॉर्ड दीना। हाँ तो धोखे का क्या करूँ, हाँ काम हो जाए, मैं पास ठोका दूंगा, बैंगलोर का डील डन। इसी तरह कर्नाटक को अपनी मुट्ठी में रखकर ये राज करता है। ए! भाई इतने माल में हमारा माल कौन सा है, जरा पहचान कर बताओ तो। ये बात। दीना ड्रग बिजनेस को अपनी जान समझता है, उसके बीच में कोई आए तो वो उसकी जान ही ले लेता है। अब ये फोन कॉल ही इस कहानी की शुरुआत है। हेलो भाई, भाई हमारे इलाके में आकर हमारे पांच खोखे लेकर कोई भाग गया भाई। क्या? और अपने दो आदमियों में से एक को मार डाला भाई और एक जख्मी पड़ा है भाई। ए, 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 कितने लोग आए थे, कितने लोग आए थे? एक ही था। कैसे मारा? गोली चलाई थी क्या? हाथों से ही मारा। वो दिखने में कैसा था? दाढ़ी, भूरी आंखें। क्या हुआ था? ये पूरे 5 करोड़ का माल है, कितने का चाहिए तुम्हें? आए, कितने का चाहिए तुम्हें? 500 रुपए का। 500 रुपए का? क्यों? साथ में 10-5 रुपए का भी लेकर जाना। ओए, इसको दांत साफ करने वाला मंजन समझ रखा है क्या? ये कोकीन है, कोकीन। इसे अफगानिस्तान में सुखा कर पाउडर बनाकर लोगों के हाथ से बचाकर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ के कैप्टन इंडिया के पुलिस की नजरों से बचाकर यहाँ तक लाने में हालत खराब हो जाती है। हाँ इतना सब करके मुझे यहाँ लाकर देने के लिए थैंक्स। गुड मॉर्निंग।
ऐसे लतपत लोगों को देखकर मैसूर के लोगों के दिलों में डर सा बैठ गया है। ये खून किसने किया और क्यों किया, इसका जवाब पुलिस के पास भी नहीं है। इसके बारे में इस एरिया के DCP प्रभाकर जी से बात करते हैं। इस बारे में सुनते ही 3 घंटे में हम आ गए। खून किसने भी किया हो, उसे हम मैसूर से बाहर जाने नहीं देंगे। जैसा कि आपने देखा, सुन तो, अरे अगर डेड बॉडी खुद चल कर जाए तो अब तक राजनगर पहुंच ही जाती। मैसूर के बाहर नहीं जाने देंगे, पुलिस वाले भी कैसे। कार्तिक बेटा, ने कहा कि कार्तिक बाहर उस इंसान को नहीं जाने देंगे जिसने भी ये खून किया। आजकल के लड़कों को ना इंटरेस्ट कॉकटेल में है, कॉफी और चाय में नहीं। इस बार दशहरे में हम होली खेल रहे हैं, ये उसे पता नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर उसके चेहरे पर रंग लगाकर वेस्ट कर देंगे। रुक, अरे रंग नाक में डाल देना और ऐसा ठूंसना कि अगर वो छींके तो नाक से सिर्फ रंग निकलना चाहिए। क्या बोलते हो, ठीक है ना? अपने मन की करता है खुद को समझे स्टार, हीरोपंती करता है ये। मैं आऊं या जाऊं पर जिद को ना छोड़ूं, दिल का मैं अपने सच्चा राजा हूँ, जो भी देखे मुझे कहे मुझको वो गुरु। अपने मन की करता है तो समझे स्टार, हीरोपंती करता है ये। ये लोग यहाँ, भगवान मैं क्या करूँ, मुझे बचा दे, कभी आ जाता तो कभी वहाँ, भगवान क्या करूँ मैं, क्या करूँ। मित्रद्रोही मुझे मारने की कोशिश की, मैं उसे मारने के बजाय मुझे ही ऑटो के सामने धक्का दे दिया साले। जब नाकाबंदी होती है तो हॉस्पिटल में कोई नहीं आता, इसलिए माल को बाथरूम के छज्जे पर सेफली रख दिया है। You are so active, man. जय जय माता माता दुर्गा, तेरी महिमा ना कोई समझा, दे दो वरदान काली जगदम्बे। रेडी होने के लिए रेडीमेड सूट रखे हुए हैं क्या? वैसे जाएंगे कैसे? बैठ लीजिए। लोग अपने घर का कचरा तो साफ नहीं करते, यहाँ कचरा कौन साफ करने आएगा? कहाँ कहाँ से आइडिया लाता है तू? आई लाइक यू। ए भाई उधर देख, ओए यहाँ क्या ट्रेलर दिखा रहा है? मेरे घर पे आ जा, मेरे पापा तुझे पूरी पिक्चर दिखाएंगे। ओए तेरे बाप की तो ऐसी की तैसी। हमको कोई रोक न पाए, ऐसी
दो हफ्ते में तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी। फिर हमारा भी नंबर है। कहाँ चले हनीमून पर, मुन्नार या नदी हिल्स? अरे अब इसमें शर्माना वरमाना नहीं चलेगा। कार्तिक, कार्तिक, तो बाद में इश्क कर लेना, पहले मेरी बात तो सुन। क्या हुआ माँ? वो काउंसलर 10-20 गुंडों के साथ तेरे बाप को मेरे सामने उठा कर लेके गया। काउंसलर पापा को क्यों उठा कर ले गया माँ? वो ना, अब तुम्हें तो पता है ना, काउंसलर की बीवी बड़ी सुंदर है, संस्कारी है, ऐसा तेरे पापा मुझे बोल रहे थे। शायद काउंसलर को पता चल गया होगा। अरे माँ, इतना सब मेरे बाप के बस की नहीं है। तू सुंदर है, तुम्हें नहीं बोल पाया तो काउंसलर की बीबी को क्या बोलेगा? बाद में मिलता हूँ माँ, ओके। आप फिक्र मत कीजिए आंटी। पता नहीं मेरे पति को क्या क्या करेंगे, लेकिन वो जो भी करे अब शक्ल ठीक रहनी चाहिए। भैया मान जाओ ना भैया, आप बोलो ना भैया, दे दो ना भैया, प्लीज भैया, प्लीज दे दो ना भैया, प्लीज। नहीं दे सकता बोला ना। अरे भैया आप मान क्यों नहीं रहे हो, दे दो ना भैया, आपको देना ही पड़ेगा। हाँ अरे देखो उसको। बिना मतलब के उछल मत, तू ऑलरेडी पुलिस में ट्राई कर रहा है, पुलिस के काम में टांग अड़ाएगा तो क्रिमिनल केस बन जाएगा, तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, आउट। पापा ये सब क्या है? ओए, वहां क्या पूछता है, वहां आउटगोइंग कॉल बंद हो गई है। मैं बोलता हूँ तेरे बाप ने मुझसे 10 लाख ब्याज पर लिए थे, या तो अभी मूल दे दो वरना उसका ब्याज तो दे दो। अगर वो भी नहीं हो रहा तो उसके पीछे कारण क्या है वो तो कम से कम सही बताना चाहिए। या क्या क्या कारण बताता है पता है? इस महीने फोन किया तो बोलता है कि भाई की बेटी का अबॉर्शन हुआ है, चल ठीक है कहा। दूसरे महीने फोन किया तो बोलता है बच्चे की तिथि है। कोई भी अबॉर्शन हुए बच्चे की तिथि मनाता है क्या? वो जो फोन करो तो ये लेडीज की आवाज में नॉट रीचेबल बोलता है। सुलगेगी नहीं क्या मेरी? भैया वो मेरे गहने तो। गहनों के लिए बीवी के साथ चिपका रहा, कल किसी पड़ोसी की बीवी के साथ सोएगा क्या? लेकिन भैया सोने लायक कोई पड़ोसन है ही नहीं। बंद कर। पापा तुम्हारे रिश्तेदार में किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, तेरी माँ को एड्स हुआ बताकर पैसा ले गया, तुझे भी कैंसर है बोला। कैंसर? क्यों पापा ये सब क्यों बोला? अगर ऐसा नहीं बोलता तो ये कमीने उधार कहाँ से लेते? अगर पता होता कि पैसे लेने वाला गाली भी देगा तो पहले ही प्रिपेयर होके आते। अच्छा हुआ बेटी की शादी के लिए खरीदा हुआ सोना सब मैंने ले लिया है। बेटी की शादी चाहिए तो पैसा दे और ले जा, 1 महीने का टाइम देता हूँ बस। पापा मुझे आज पता चल रहा है कि तुम्हारी एक बेटी भी है। सुनना गंगोत्री, 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 इसको पैदा करने में 6 साल लग गए, तुझे तो पता है ना मेरी कैपेसिटी, तो एक और कैसे? पता नहीं किस नागिन की औलाद है ये सपोली। ऐसा कोई भी सांप नहीं है जिसे तू नहीं जानती, फिर ऐसी बात क्यों कर रही हो? चले दरा, बेटी बोल, बोल। हाँ आंटी, मेरी दीदी की शादी में बस 1 ही महीना है ना, हाँ। इसीलिए मेरे पापा सोना लाने के लिए मैसूर जा रहे थे। हाँ। सेफ्टी के लिए अंकल को साथ ले जाओ, ऐसा मैंने ही पापा को कहा था। अरे मैसूर से सोना लाए थे ना, फिर बेंगलुरु में उतरे, इसके पापा ने कहा मुझे थोड़ा काम है तू लेके जा। मैं सोना लेके जा ही रहा था कि वो कमीना मुझे पकड़ लिया, फिर सोना छीन लिया और एक पेपर पर साइन लेकर 1 महीने का टाइम दिया, बोला पैसा लेकर आ, सोना लेकर जा, है ना बेटी? पापा 10 मिनट नहाते हो तो हाँ। आधा घंटा रेस्ट करते हो, आप किस हिसाब से अंकल को सिक्योरिटी देने चले गए थे पापा? अरे वो अच्छा आदमी नहीं है ना रे, जब वो 3 महीने का था तो उसकी माँ ने उसे दूध नहीं दिया तो उसने माँ को काट लिया। ए नागराज। पापा अब। ए नागराज अब। ए, मैंने जो सुना है वो सब झूठ है, बोल दे यार वो। अरे बोल ना, मैं अपनी आंखों से बोल रहा हूँ, मेरे कानों को सिर्फ बोली हुई भाषा समझ में आती है, बोलना। ये सच है मेरे दोस्त। अब इसे मैं कैसे समझाऊं? ए, तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है रे। मेरी बेटी का सोना
अपना सोना समझकर कर्जा चुकाया तू? ए, अरे मैं किस हालत में था पूछ मेरे बेटे से। ओ, बाप बेटे दोनों मिलकर ये कारनामा किए। क्यों भाई, तेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई ना? ए, तू पागल की तरह कुछ भी मत सोच। तू खुद को बुद्धिमान समझता है? अरे मेरे गर्दन पे छुरा रखा था। अगर तू मेरा सच्चा दोस्त होता तो अपनी जान दे देता, मेरी बेटी का सोना नहीं देता। मतलब मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन तेरा सोना नहीं जाना चाहिए। मेरी बेटी की शादी से ज्यादा तेरी जान इम्पोर्टेंट है। अंकल। अरे मेरे पापा। अरे 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 मैं तेरा दोस्त हूँ भाई। मारेगा क्या? अरे नहीं रे बाबा। तो क्या गुंडों से पिटवाएगा मुझे? तेरे लिए गुंडे बुलाऊंगा। अरे खुद दूंगा एक कान के नीचे। मुझे छू नहीं सकता। जब मैं 6 साल का था तभी से मैंने ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग ली है। अरे काले धागे को बेल्ट समझकर कंफ्यूज हो गया होगा। तू अपने इसी घमंड के कारण अभी तक छोटे घर में रह रहा है। ओहो, तो तू कौन सा बड़े महल में रहता है? तू जहाँ रहता है लोग वहाँ थूकने भी नहीं जाते। धीरे धीरे बोल, हार्ट पेशेंट है तू। ओए धीरे बोल, नहीं तो तेरे नकली दांतों का सेट। अरे ये अंकल, तूने मुझे धक्का दिया। अंकल मैंने मारा नहीं, बस अलग किया, आप ही गिर गए। सिर्फ छूने से गिर जाऊंगा? मारने की धमकी दे रहा था ना, इनडायरेक्टली मारा तूने मुझे। नहीं अंकल मैं तो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट बोल। ए बूढ़े खूसट, आज से तेरा और मेरा संबंध खत्म। चलो पापा, मुझे फोन करना। बैलेंस नहीं है, मैं मिस कॉल दूंगा, फोन करना। मैं रिचार्ज करा दूं क्या? तेरी टांगे तोड़ दूंगा। इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरा सोना देगा कि नहीं? तू दूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। तू क्या देगा फकीर कहीं का? फकीर होगा तू। अरे हट चल। अरे अंकल, लेकिन सुनता ना, ये तो चले गए। रोटी बनाई थी, खाकर जाने चाहिए थे ना। अगर इसको कुछ बोलूंगा तो ये हफ्ते भर बात नहीं करेगी। अरे इसे रोटी नहीं डबल रोटी पसंद है, तो खिलाएगी क्या? अरे 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 आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। लगता है सब मिलकर मुझे पागल कर देंगे। अंकल अंकल। अरे यार चले गए भाई। बाप सुरसुरी मारे तो बेटी टाइम बम मारती है रे। क्या बोल रहा है? आप बताता हूँ। अरे क्या हुआ? ए, रो क्यों रही है, क्या हुआ? कार्तिक, अब मेरी इज्जत और जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। क्या रे, क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तेरे पापा तो ऐसा बोलते हैं कि मेरी बेटी कुछ भी खा ले उल्टी नहीं करेगी, और तू बोलती प्रेग्नेंट है। लड़के को क्या बोलेंगे हम? इस कार्यक्रम का प्रोड्यूसर भी वही है। हाय हाय। पैंट जब बार बार ऊपर कर रहा था तभी मैं समझ गया था। सॉरी यार, बाय मिस्टेक हो गया। ना 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 ना, एकदम करेक्ट किया है, इसमें कोई गलती नहीं। मैं गलती नहीं करता, भगवान गलती करते हैं। अरे हमारे देश के 120 करोड़ जनता को भगवान नहीं दिया रे। तू अपने में रहता, ये अपने में रहती तो भगवान देता क्या? बोल। सुनो तो इन्हें कुछ मत बोलो। क्यों? ये ना बच्चे की तरह है। शादी से पहले इसको प्रेग्नेंट कर दिया, हेयर स्टाइल तो देखो स्पाइडरमैन की तरह बना रखा है। देखो तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, मेरे बच्चे के बारे में तुम ही सोचो। अरे मैं क्या करूं, इसके हाथ में नहीं है। खेल मत कर समझा, जो खेल के आए हैं उन्हें छोड़ के मुझे क्यों डांट रहा है? इस खुशी के मौके पे एक एक पैग हो जाए। भाग ऐसे, भाग यहाँ से, दिमाग का दही कर रखा है, क्वार्टर की जगह 90 मारेगा। कोई इज्जत नहीं है तेरी। क्या यहाँ बार बार आना और थोड़ा थोड़ा लेकर जाना, एक ही बार में सारा माल लेकर जाकर बेच देते हैं ना। एक बार सही टाइम आने दे, फिर हम लोग गायब हो जाएंगे। क्या सोच है तेरी, एमएस धोनी को भी पीछे छोड़ दिया। बापरे, भगवान। भाई लगता है पुलिस को सब पता चल गया है, चल यहाँ से निकलते हैं। चल मेरी बात मान। ओए गधा कहीं का, चल। ओए उधर जा। ए तू इधर आ। ए इधर आ। ए उस तरफ देख। अरे वहाँ ढूंढ वहाँ। सर क्या हुआ है यहाँ? यहाँ किसी ने दो लड़कियों का रेप करके फेंक दिया है। बस दो ही ना? नहीं तो क्या एक दर्जन का रेप करेगा, वो चक्कल है। मैंने सोचा ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इसीलिए पूछा। उधर देख रेप। इधर आ। ए उधर देख। अरे कुत्ता क्यों भौंक रहा है, उधर देख। चल चला जा, आजा। भाई ये कुत्ता हमारा राज खोल देगा, चलो भाई यहाँ से कट लेते हैं। भाई मेरी बात सुनो भाई। चुप। चल भाई सुनो, भाई सुनो। ए
निकालो उसको। लग रहा है। आराम से निकालना। अरे ए, हाँ निकालो निकालो, कुछ भी हो सकता है बैग में। किसी ने सर काट कर तो नहीं डाल दिया इसमें? मैं जा रहा हूँ भाई, तुम्हें रहना है तो रहो यहाँ पे। ए, चुपचाप खड़ा रहे। अंकल ये आपका बैग है, उस दिन आपके हाथ में देखा था। बैग इनका है तो पूरी भी यही होंगे, पकड़ो इनको। सर, कौन है तुम? नहीं पता सर, सर ए, सही सही बता दो, नहीं तो थाने ले जाकर वो हाल करूंगा कि नानी याद आ जाएगी। सर सर प्लीज प्लीज सर, हमने कुछ नहीं किया। ए, थाने ले चलो इन्हें, थाने ले चलो, जल्दी करो, जीप में डालो। बिना टिकट के मारे गए हम तो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तू अरे जूते निकाल के तो मार रहे हो, लेकिन तुम्हारे सॉक्स से क्या बदबू मार रही है, हटा इसको। एक तो शूज पहन के मार, नहीं तो सॉक्स में सेंट लगा के मार। बदतरी, तुम मुझे हुकुम देता है? अरे बाप रे, रखते रहे ना, बोल बोल। बाप रे, सर बहुत देर से सुसुन लगी हुई है, अर्जेंट है, थोड़ा ले चलो ना सर। ठीक है चल। सर सर थोड़ा पानी पीना था, जा जाके पी ले। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, थोड़ा सहारा दे दो। ठीक है चल। कितना? हाँ ठीक है, लाता हूँ लाता हूँ। वैसे हमारे लिए भी इंतजाम करना मत भूलना। Hey, कंप्लेंट लिखी क्या? लिख रहा हूँ सर, बैग में क्या है पता चल जाए तो मैं ठीक से लिख पाऊंगा सर। hey, किससे पूछ कर कंप्लेंट लिख रहा है? सर आप ही ने तो कहा था सर। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा, आज के बाद जो भी करना हो मुझसे 3 बार पूछ कर करना। ओके, कोई कंप्लेंट नहीं लिखनी है, समझे? आप दोनों को छोड़ दो। सर छोड़ दो सर, छोड़ दो ना सर, सच में छोड़ दो सर। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अगर ज्यादा नाटक किया ना तो नाइट ड्यूटी लगाकर जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आइए सर, आइए आइए। अरे वाह, इतनी उम्र हो गई फिर भी इतना मेंटेन हो। आजकल काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है सर। क्या बात है? क्या रे, अकेला आया है क्या? नहीं, तेरी पुरानी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर आया हूँ। भेजूं क्या? हम खुद लड्डू बेचते हैं, हमें बूंदी बेचने आया है। क्या रे, एक ही पैकेट लाया है, बैग कहाँ है? हमारे यहाँ शादी से पहले सिर्फ लड़की की तस्वीर दिखाते हैं। पहले रेट बता। अखिल कर्नाटका हलकट संघ का कार्यकर्ता है ना तू? हाँ, उस हलकट संघ का अध्यक्ष तू ही है ना? एए, कल तक तो ये बच्ची थी, इसे भी मस्त आइटम बना दिया। सब लोगों को मैं उठाता हूँ, लेकिन तुझे सुलाना ही अच्छा लगता है। बिजी है सर। क्या बताऊँ, सोने का टाइम ही नहीं है। और तेरा? उठने का टाइम नहीं। अरे है। हमारे पास सोने का टाइम नहीं और तेरे पास उठने का टाइम नहीं। लाइट बंद कर दो ना। एए, लाइट में सीन जरा मस्त दिखेगा ना। चला जा। अरे आ जा। क्या बात है, मजा आ गया। अरे ये कौन है, दिख तो मेरे जैसा रहा। बहुत लोग बिस्तर पर रंग जमाते हैं, तो कुर्सी पर रंग जमाता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये लो डीवीडी और ये वीसीडी और ये पेन ड्राइव। अरे खराब हो गया क्या? तू मुझे नहीं जानता। मार मार। आधे घंटे में बैग नहीं दिया तो समझ लेना तू। हाँ पता है, नहीं दिया तो ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह पे डाल दोगे तुम। कौन हो भाई तुम? किंग हूँ मैं। सर आपके पुलिस ट्रेनिंग में कौन सी ट्रेनिंग दी है? ये वाली शूटिंग की ट्रेनिंग? एक्चुअली मैं बहुत ही भला आदमी हूँ, पहले मांगते तो भी मैं दे देता ये बैग। वो सब छोड़कर वीडियो वगैरह निकालने की क्या जरूरत थी? ये बैग की बात बाहर नहीं आई तो वीडियो की बात भी बाहर नहीं आएगी, समझा? जो भी है निकाल दे। जो भी था वो सब तो निकाल लिए, अब और क्या निकालू? सो स्वीट।
जिंदगी की लगी पड़ी है और ये उड़ाया जा रहा है। अरे मैं तो उड़ा रहा हूँ, तू तो गिरा पड़ा है, उठ जा। बाप एक करे तो बेटे को दो करना चाहिए, वही बेटा होता है। किया तो है, पान की दुकान में तुम्हें 100 रुपए की उधारी नहीं देते और मुझे 500 रुपए की उधारी देते हैं। न जाने किस मुहूर्त पर इसे पैदा किया था मैंने। ए मोटी, मोटी मत कहिए मुझे। ए मोटी, इधर आ, इधर आ। वो पड़ोस के रमेश का बेटा है ना, अपने बाप के 15 लाख का कर्जा एक झटके में चुका दिया। उसको कहते हैं बेटा। ये जानकर मैं गेट के पीछे जाकर इतना रोया कि पूछो मत। उतना ही नहीं जी, माँ जी ने सिर्फ एक नहीं दो दो साड़ी जो इंस्टॉलमेंट में ली थी उसके भी पैसे ले आया ये। इधर वो पड़ोसी के बेटे ने कोई उधार नहीं किया था, उसके बाप ने एक झटके में उसका सारा कर्जा चुका दिया। ये सुनकर उस पेड़ के पीछे जाकर उसने माथा पटक पटक कर उसने बहुत रोया माँ। इतना ही नहीं रे, उसने तो अपनी बीवी को एक किचन सेट दिलवाया, वो भी होम सेंटर से। माँ एल शेप स्टोर फ्री में भी मिला उन्हें। ज्यादा बकबक मत कर। ए तू इधर आ, उसका बाप उसका पति क्यों कर रहे, इधर आ, चुप रह। ए तूने क्या बोला, तेरे बोलने का मतलब क्या है, बोल। पूरा सीन दिख रहा है, लुंगी नीचे करो। पापा जैसे बाप उम्मीद करता है बेटे से, वैसे बेटा उम्मीद करता है बाप से। बाप बेटे का कर्जा चुका दे तो उसमें बुरी बात क्या है? क्या रे, मैं तुझे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तू मुझे ऊपर भेजना चाहता है। देखो पापा, बचपन में सब गोद में उठाते हैं, तो बड़े होने के बाद क्यों नहीं? क्यों नहीं, मैं भी तुझे दूध पिलाऊंगा। अल्ले अल्ले मेले कार्तिक, कार्तिक मैंने पैसे नहीं दिए तो शादी रुक जाएगी बेटा। ऐसा आप शगुन मुझे नहीं चाहिए, वो मेरा चड्डी दोस्त है साधु, उसके ऑफिस में तेरे लिए काम है। तू आज ज्वाइन करेगा ना तो वो आज ही 10 लाख दे देगा बेटा, बाद में सैलरी में से धीरे धीरे काट लेगा। जब तुझे SI का काम मिल जाएगा तो तुम वो काम छोड़ देना, अभी तो काम कर ले बेटा प्लीज। चीटियों के बिल में हाथ डालने को किसने बोला था? ए, अगर चीटी होती ना तो शक्कर डालकर उसे भगा देता, मगर ये तो टंक मारने वाले बिच्छू हैं। काट खाने से पहले इसे भगाना होगा, कोई और मेरी मदद क्यों करेगा, मेरा बेटा ही मेरी मदद करेगा, यही मेरी इच्छा है। देखिए पापा, मैं आपके सपने के लिए मैं बिच्छू अपने करोड़ों का सपना नहीं छोड़ सकता। कहाँ जा रहा है? देखिए पापा, आज पुलिस का सिलेक्शन है, सिलेक्ट हो गया तो SI की नौकरी, मैं तुम्हें सब क्यों बता रहा हूँ। सर रिजल्ट कब तक आएगा? कल आ सकता है या परसों आ सकता है, 3 महीने बाद आ सकता है या 6 महीने बाद भी आ सकता है। क्यों रे, वो ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, हाँ मैं हूं ना तेरे साथ, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तू बस अपना दिमाग खराब मत कर। जो कर रहा है कर भाई, मैं जरूर करूंगा। हाँ रम्या। कार्तिक, मेरे पापा जबरदस्ती मेरी सगाई करवा रहे हैं। नहीं हो सकता, बोल दे अपने पापा को। मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी, तुम नहीं आओगे तो आज मेरी सगाई हो जाएगी। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ, ओके भाई, जल्दी आना। चलता हूँ यार। अरे कार्तिक क्या हुआ? और ऐसा हुआ रम्या है? रम्या, मैं जिसके बारे में बोल रहा था ना वो यही है। लगता है इसका फोर्स बड़ा अच्छा है। अरे कोई फोर्स वोर्स नहीं है, फोन किया और 5 मिनट के अंदर यहाँ आ गया, समझ लो कितना निकम्मा है, निठल्ले की तरह घूमते रहता है। अंकल कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो SI का टेस्ट देकर आ रहा हूँ, बस अब रिजल्ट आ ही जाएगा। अरे बहुत देखे हैं, तू जब भी मिलता है रिजल्ट आ जाएगा करते रहता है। ये पुष्पा, पुष्पावती भी नहीं बनी थी तब से सुन रहा हूँ, अब उसकी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया और वो बच्चा स्कूल में फैंसी ड्रेस पहन कर पुलिस वाला भी बन गया। अंकल आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली क्या? ए दूल्हा कौन है? तो तू है ना दूल्हा? हाँ मैं ही हूँ। तू ही है ना? ए देख भाई, रम्या से 3 साल से प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं गुरु, अंकल जब 5 साल बोले थे तो भी यहाँ की थी, 3 साल तो बिल्कुल चलेगा। भाई मेरी बात समझ, मुझे इससे शादी करनी है बस। क्या रे तू यहाँ झगड़ा करने आया है? तेरे बाप की वजह से अब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हुई,
अब मैं उसकी शादी इसके साथ करवाऊंगा। ये कोई और नहीं है, मेरी बहन का भतीजा है। 10 लाख रुपए दे रहा है, 1 रुपया भी मेरा खर्च नहीं हो रहा है। मेरी बेटी रम्या की शादी मैं इससे ही कराऊंगा, तू देख लेना। छोड़िए अंकल, हम बात कर रहे हैं। बॉस, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हर बाप अपनी बेटी को बेस्ट दूल्हा देना चाहता है भाई। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, बेस्ट दीजिए। आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सड़कों पर 10 मिलते हैं, पर एसआई एरिया में अकेला एक ही एसआई। रोड पर एक क्वालिस आती है, उसमें 10 लोगों को स्कूल के बच्चों की तरह भर कर ले जाता है। पर एसआई को एसआई के लिए एक सेपरेट जीप, डोर खोलने के लिए 2 कांस्टेबल मिलते हैं। हम खुद जाकर चोर चक्कों को अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ते हैं। आजकल सबसे ज्यादा कंप्लेंट तो इन सॉफ्टवेयर वालों के ही आ रहे हैं। हस्बैंड ने वाइफ को मारा, वाइफ ने हस्बैंड को मारा। ये सब देखा जाए तो कौन बेस्ट है, एसआई या इंजीनियर? कौन कौन? ठीक है, तू ही बेस्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन तू 10 लाख रुपए लाकर कहाँ से देगा? ये तो दे रहा है। पापा, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी जल्दी कोई कैसे लाएगा? थोड़ा टाइम तो दीजिए ना पापा। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। देखो, 20 दिन में मैं इन्विटेशन कार्ड छपवाऊंगा, उसमें दूल्हे का नाम नहीं लिखूंगा। अगर तू 10 लाख रुपए देता है तो तेरा नाम लिखवाऊंगा, नहीं तो ये तो है ही। ओके, 10 लाख देने के बाद बात करूंगा। ओके। मैं दे दूंगा। अरे थोड़ा तो वक्त दो। अरे क्या कर रहे हो? अरे देखो, अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे पापा पे हाथ उठाया। सुनो, 2 महीने से ब्याज नहीं दिया तो तेरा बाप आकर चिल्लाता है, बहस करता है। मेरे बाप ने तो उससे बहस किया होगा, मैं होता तो फोड़ देता। अरे वाह, अरे वाह, मैंने 2 महीने से ब्याज नहीं दिया तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा बोलता है। तेरे बाप ने 2 साल से ब्याज नहीं दिया, उसका क्या? बिना गला पकड़े अगर कोई ब्याज नहीं देगा तो मारपीट तो करनी पड़ेगी। कसम खा के कहती हूँ, नहीं देगा। साल हो गए किराया नहीं दिया इसने। अगर किराया मांगने जाओ तो कहानियाँ सुनाने लगता है। मेरी उम्र कहानी सुनाने की है, सुनने की नहीं। कहानियाँ कान सुनते हैं, पेट तो नहीं सुनता ना। आसपास के लोग पूछते हैं, क्यों माँ जी डाइट पर है क्या? कितने दिनों से खाना नहीं खाया, किराया दिला दो बेटा। सुन बेटा, खून 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 खून। क्या किया रे तूने? देख क्या किया। गजगौरी इधर आ। अरे कपड़ा ला। अरे कहाँ ना कपड़ा ला। जल्दी कपड़ा ला। अरे तुझे कपड़ा लाने में 3 महीने लगेंगे, इसी से काम चला लेता हूँ। ओ, बहुत आई साड़ी वाली। बेटा चाहिए कि साड़ी चाहिए? तुम ठीक हो ना बेटा? पापा, इतनी परेशानियां हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता, पहले पेंशन से सब मैनेज हो जाता था, और अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए ब्याज नहीं दे पाया बेटा। मेरा वो दोस्त इसी शेखर है ना, उसने बोला है वो मुझे सिक्योरिटी की नौकरी दिला देगा। तू चिंता मत कर बेटा, जा आराम कर। नहीं पापा, मैं नौकरी पर जाऊंगा, वो कॉर्पोरेशन ऑफिस में आपने किसी फ्रेंड्स को बोला था ना, उन्हें बोल दो मैं जाऊंगा। अरे तूने तो कमाल कर दिया बेटा, कमाल। अरे जैसे दर्जी बराबर कपड़े काटता है, ठीक तूने भी मुझसे वैसे ही काटा। अगर ज्यादा इधर उधर करता ना तो वाट लग जाती, वाट। ये पकड़। क्या सही टाइमिंग थी तेरी, क्या डायलॉग मारी थी, कहानी कान सुनता है। मैं तो आज तेरा फैन हो गया। सुहाग रात में कोई शर्माना सिखाता है क्या? वो तो नेचुरली आता है। अरे बाप रे, इस उम्र में भी कयामत डाल रही हो। तू भी तो हीरो लगता है। ए, तू इधर आ। कान के नीचे 1 लगा कर दूंगा। कितना सीरियल देखती है? हाँ, तेरा सीरियल
पहले बंद करना होगा। मैंने रोते रोते अपने जीवन में जो नहीं देखा है वो भी देख लिया। ऐसा बोल के तुम मार डालती हो, मेरे बेटे का दिमाग कंफ्यूज हो गया। रिएक्शन रिएक्शन स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर कोई ओवर एक्टिंग करे तो दूसरे को चुप रहना चाहिए ना। अगर माँ इमोशनल ड्रामा और रोना धोना शुरू करेगी तो तुम्हें डमी का काम करना पड़ेगा। और अगर कैबरे चल रहा हो तो डांस करना चाहिए ना। मुझे रात को सुलाकर तू ये सब देखती है क्या? सुन, जा और जाकर दो पकौड़े और एक मिर्ची बड़ा लेकर आ। नमस्ते सर। भाई अब तू यहाँ क्या करने आ गया है भाई? 5 करोड़ का माल है, कुछ तो करना। ए भाई तू जाना यहाँ से, और जाते जाते मेरे क्वार्टर और स्नैक्स के पैसे भी देकर जाना। मैं 1 करोड़ दूंगा तुझे। अरे गाना कि जा तू यहाँ से। क्या यार, संडास पर पड़े रुपए तो उठा लेता है और तू करोड़ों के सामान को लेने से मना कर रहा है, क्यों भाई? देख भाई, संडास पर 100 रुपए गिरे हो तो उठा सकते हैं, लेकिन 100 रुपए पर अगर संडास गिरे हो तो कैसे उठाऊं? पहले से ही मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका जैसी हालत हो गई है मेरी। तू जा ना भाई यहाँ से। तुझे हुआ क्या? वो बैग वाला लड़का था ना, मुझे बताए बिना मेरी ब्लू फिल्म बना डाली उसने। मार्केट में कोई नया MMS आता है तो दिल धड़कने लगता है। वो सब छोड़ो, कल न्यूज चैनल पर 7:30 बजे देखा, बार बार आ रहा था कि रक्षक ही रूम में बना दरिंदा। उस ऑफिसर का चेहरा नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए मैंने फिर से रीटेलीकास्ट देखा। लगता है कैसेट चेंज हो गई है। कोई फोटो है क्या उसकी? हाँ है ना भाई, एक बार ऐसे ही मैंने उसकी फोटो निकाल ली थी, ये देखो। हमारा आदमी तो नहीं लगता है, कोई नया लग रहा है, कौन हो सकता है? भाई रोको। भाई नमस्कार। ओए राजेश कहाँ मर गया? अरे उसे वायरल फीवर हो गया भाई। वो खुद तो वायरल लगता है, उसे ही वायरल हो गया। वो तो वायरल दिखता है पर आप। ओए मजाक करता है, कहाँ है वो? वो नहीं आ पाया इसीलिए इसे भेजा है, ये बहुत अच्छा काम करता है। हो गया क्या भाई? होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है ना भाई। सुन सुरेश, जगह ढूंढने से पहले ही माल कहाँ रखना है सोच लेता हूँ। क्या बात है भाई, बच्चा प्लान करने से पहले बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना है सोच लेते हो। ये लो, उम्र के साथ साथ खाना बनाना भी भूल गई है। ये क्या है? ये इडली है, जैसे खुद इतना फूल गई है ना वैसे इडली भी फुलाया कर। अच्छा है, खा लीजिए। अच्छा है। यस। सिंगल मिस्ड कॉल, यूनिवर्सल लवर कोड, मुझे ही पता नहीं है। अरे कस्टमर केयर वालों का है। कस्टमर केयर वाले सिर्फ लेडीज को फोन करते हैं क्या? इस उम्र में भी शक कर मतलब रहे हैं? इस उम्र में किसी के ऊपर शक करना गुनाह है क्या? ए भगवान, गुस्सा से क्या गया है? पापा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मतलब आप? मैं तुम लोगों को पागल लगता हूँ? दीदी दीदी, कार्तिक मामा ने बोला है कि जल्दी से आ जाओ। ओह गॉड, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा की शक्ल हमेशा माइल्स पेशेंट की तरह रहती है। माइल्स? और अगर पापा हो तो धीरे से बोलना, ऐसा बोला। हार्ट पेशेंट है, सुन लिया तो मर जाएंगे, ऐसे भी बोला। चुप करो, मेरी चॉकलेट लेकर कुछ भी बोलती है। चला। हेलो जान। जान बहुत महंगी है, तू नहीं खरीद पाएगा। हेलो भाई, मैं बस रास्ते पर ही खड़ा हूँ, आ रहा है ना तू? चेक रेडी है 25 लाख का, आकर देता हूँ। इसी एरिया में पोस्टिंग चाहिए समझे, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे दुश्मन भरे हैं। ओए मजनू, अगर तू मजनू है तो मैं तेरी लैला का बाप हूँ। तू जो पढ़ाई कर रहा है ना, मैंने उसमें डिग्री ली है। आज तो तेरे पास मोबाइल है, लेकिन हमारे जमाने में कुछ नहीं होता था। मैं जब हाथ गाड़ी लेकर एरिया में घूमता था ना, तो मेरी एक आवाज सुनकर एरिया की सारी लड़कियां मेरे पीछे भागती थी। ए
बस इतना ही नहीं, अगर एक पत्थर मारूं तो नदी किनारे और दो पत्थर मारूं तो गार्डन में मिलने आती थी, समझा तू? ए मजनू, एक और बात सुन ले, हमारे गांव में कोई भी लड़की जवान होती थी तो उसका बाप छुपा के रखता था ताकि मुझे पता न चल जाए, समझा? इतना बड़ा लोफर था मैं मजनू। अंकल, आप जैसा लुच्चा लोफर सटल हो गया तो मैं सटल नहीं हो सकता क्या? जल्दी शादी करा दीजिए। लुच्चे, मैंने तुझे बचपन में गोद में खिलाया, अब तू मेरी बेटी को खिला रहा है। सुन ले, अगर तुझे वही चाहिए तो घर से निकल जा, वापस मत आना, और अगर तुझे बाप चाहिए तो अंदर जा, अभी फैसला कर कौन चाहिए। hey, मैं या वो? दीदी, पापा। देखा ना, मैं इसी फैसले का इंतजार कर रहा था। hey, मजनू, आगे जाकर आर्ट्स की दुकान है, अपने बाइक के पीछे प्रेम अधूरा रह गया ऐसा स्टिकर चिपकवा ले जा, और उसके साथ ही राशन की दुकान है, वहाँ पर रस्सी मिलती है, उसे गले में बांध के लटक जा, सारा खेल खत्म हो जाएगा, जा जा। रो मत ना, पापा ऐसे ही हैं। देखा ना, सीधा हो गया। पापा बार बार उसका दिल क्यों दुखाते हैं आप? और नहीं तो क्या करूँ मैं, उसके साथ हनीमून पर भेज दूँ इसे। आपसे बात करना बेकार है, बेकार की बात करती है, जान छुटी बला से। हाँ? ये क्या है, आम आदमी पार्टी में भर्ती हो गई क्या? नहीं जी, आपको अस्पताल भर्ती करने का सोच रही हूँ। तुम्हारे एक इशारे पर लड़कियाँ। पापा का नेचर तो तुझे पता है ना, प्लीज रम्या। अरे अरे, क्या कर रही है? पापा सीरियसली बात करें तो भी कॉमेडियन की तरह लगते हैं। मैं तो डर रही थी कि कहीं मुझे हंसी ना आ जाए। ए, मैं जाकर आती हूँ, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, तुम संभल कर। ए संभल, बाय। कार्तिक, पार्क के कोने में हाथ पकड़कर बैठने वाली से ज्यादा पब्लिक में प्यार का इजहार करने वाली लड़कियां मुझे ज्यादा पसंद है। मुझे भी पसंद है, मैं भी एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहूंगी जो कि सबकी मर्जी से मुझे अपनाए। लेकिन तुम्हारा बाप प्लेबॉय है, उसने खुद मान लिया है, तुम क्यों नहीं मानती हो? अब ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है कार्तिक, मैं चाहती हूँ कि ये शादी पापा की मर्जी से हो। आ बैठो। तेरा बाप डिसेंटर डिसेंटर बोलती थी ना, नदी के किनारे न जाने क्या क्या कांड किए उसने हिस्ट्री में। बकवास बंद करो तुम।
ही घास पे मैंने वारी है अपनी दुनिया सारी, तू है सबसे प्यारी। इश्क का तेरे ही है असर कि मैं हूँ प्यारी, तुम पे हो सब हारी। मोहिनी रे सुंदरी रे तू खुशी मेरी जिंदगी। हेलो भाई, कितने का रिचार्ज कराऊं? अरे 50 रुपए का रिचार्ज करा दो। 50 रुपए का रिचार्ज कर दो आंटी। अरे ये पीछे क्यों आ रहा है? कहाँ है और वो कहाँ है? मर जाऊंगा पर नहीं बताऊंगा। ए, इसका मोबाइल निकालो। हाँ बोलो। ए, तेरा भाई मेरे पास है, वो अगर चाहिए तो बैग ला कर दे, वरना उसकी खोपड़ी भेजनी पड़ेगी, समझा? ए! बहुत मजा आया, बहुत ही रोमांटिक सीन था वो। अरे मार क्यों रहे हो, ये तो बता दो। तुझे बताए बिना यहाँ कुछ नहीं होता। 1 घंटे में मुझे मेरा भाई चाहिए, वरना मैं नहीं तो मैं तेरी सीटी आउट कर दूंगा। ए भाई, एक बात तो बता, मैं क्या कोई स्कूल का ड्रम हूँ जो तू हफ्ते में आता है और बजा कर जाता है? हवालात में चोरों को पकड़ पकड़ कर भरूंगा सोचा था, लेकिन ये hey, you! ये क्या है सर? इसे तू ठीक से फाड़ कर टॉयलेट में रख दे, बैंगलोर में पानी की किल्लत है तो लोग अपना पिछवाड़ा पोछा करेंगे। कम से कम 1000 लोगों के काम तो आएगा सर। 1001 है तेरे बाप को मिलाकर। अबे तेरी तो कॉर्पोरेशन के सैंक्शन लेटर है ये, ठीक से एक के ऊपर एक करके रख, चेकिंग के लिए जाएगा। फोन नीचे रख, दोबारा छूना मत, अब तू इसे छुएगा। अगर तू सच्चा नौकर है तो इसे उठा, नहीं तो इसे उठा। ये सच्चा नौकर नहीं है। नहीं हूँ, अब क्या करना?
क्यों रे बड़ा उछल रहा है तू? कंप्यूटर लैपटॉप के जमाने में पुरानी रद्दी दुकान की तरह फाइल जमा कर रहा है तू? लाना था। ओए जा, मैं तैयार करके लाता हूँ। जा रे। ओए कहाँ जा रहा है ना? अरे तेरी तो जा, बोलते ही जा रहा है, कैसा मर्द है तू? फोन नहीं चरक, मार डालूंगा। क्या है भाई, तू मुझे इनडायरेक्टली गाली दे रहा था? ए, सुन ले, काम के समय में फोन पर बात करने वाले को मुंह बंद कर। मैंने जो बोला वो मेरे जैसे सीनियर ऑफिसर के लिए नहीं, तेरे जैसे सी ग्रेड एम्प्लॉय के लिए। चल हाथ डाल, हाथ डाल बोला ना। आई फोन ऊपर वाली जेब में है, ऑन कर स्पीकर, ऑन कर, ऐसे बात कर। हाँ बेबी कहाँ हो तुम? मैं ब्यूटी पार्लर में हूँ। अच्छा डार्लिंग, आईब्रो को जरा अच्छी तरह से साफ करा लेना, और तुम्हारे होठों पर वो जो लंबे लंबे दो बाल उगाए हैं ना, उसे भी साफ करा लेना, और वो जो लास्ट टाइम तुमने पपैया फेशियल कराया था ना, उसमें खुशबू थोड़ा कम थी, देखना कहीं उसने आंखों पर से खीरा रखकर पपैया खा तो नहीं लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज 15,000 रुपए नहीं लाए तो खाना नहीं मिलेगा, समझे? खाना नहीं मिलेगा? अरे मेरी जान, मेरी जाने में ऐसा मत करना मेरी डार्लिंग। सर होटल में खा लेना, बस खाने की तो बात है ना, छोड़िए। तू बैचलर है रे, खाना का मतलब तुझे अभी समझ में नहीं आएगा, खाना का मतलब है रात में खेलने वाला गेम। ये सब होटल में नहीं मिलता है। क्या सब सर? देख भाई, होम पिक्चर ही ठीक से नहीं चलती, बाहर जाकर क्या कर रहा है बोल। सर हाँ। आपकी स्माइल, आपकी आंखें देख के कोई भी पट जाएगी सर। खुले दरवाजे के अंदर तो जा नहीं पा रहा हूँ मैं, बंद दरवाजे को ठोंक कर नॉक करके कहाँ जाऊँ बोल? ये सब मेरे से नहीं होगा, जा। ए, मैंने जो काम किया होगा चले। मेरा बोलना तुझे ओवर स्टाइल लग रहा है ना? नहीं सर। ओवर लगना भी नहीं चाहिए, चल मेरे साथ चल। तेरे पापा को प्रॉब्लम है ये सोचकर मैंने ये बाइक तेरे पापा को दी थी, लेकिन तू तो इस बाइक को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझकर चला रहा है। रुक। ये बीच रास्ते में कौन बिल्डिंग खड़ी कर देता है? अरे यही रुक, कमाई हो सकती है, रुक जा। ए, कौन है इस बिल्डिंग का ओनर? कौन है, कोई जवाब क्यों नहीं देता? मैं हूँ सर। ए, कौन है तू? तू तो नौकर लग रहा है। ओनर हूँ सर। क्या कहा? ओनर है? ए, तू खुद को क्या समझता है? गवर्नमेंट ने तुझे 2 फ्लोर की परमिशन दे दी और तूने 6 फ्लोर बना डाले। अरे तेरी तो, ए, चल तेरा नाम बता, नाम बता ना। अजय खेनी सर। अजय खेनी है? ओहो, क्यों बे, बिल्डिंग को आसमान तक ले जाकर आने जाने वाले प्लेन से टोल वसूल करेगा क्या? नहीं सर। सर तू किससे बात कर रहा है पता है? तेरे बच्चे ऊपर से धार मारेंगे तो इस गली से गुजरने वाले लोग बारिश आ रही है ऐसा सोचकर मारेंगे क्या? जैसे भी बुलाओ, बड़ा जैसे भी, 4 फ्लोर तोड़वा दो। सर 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 क्या बोल रहा है? फोन मत उठा बोला ना, चल अंदर रख, अंदर रख, फोन बाहर मत निकालना। सर 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 10,000। ए बुलडोजर बुला, नीचे से 2 फ्लोर तोड़वा दे। सर 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 ये ठीक रहेगा सर, लीजिए सर, करेक्ट है सर। जैसी भी कैंसल, चलो बाद में देखते हैं। आज तू बच गया। थैंक यू सर। ए कितनी बार बोला फोन मत उठा, बोला ना काम के समय में फोन उठाने वाला लोफर लफंगा होता है। ये रूल्स तुम्हारे जैसे आम आदमी के लिए, वीआईपी लोगों के लिए नहीं है। हेलो कौन है भाई? ए पागल, कार्तिक को फोन दे। हा? कौन है पागल, कौन हो तुम? ए, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। मैनेजर सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, मैं बिल्डिंग के काम से आया था सर। कार्तिक मेरे पास ही खड़ा है सर, अब मैं कार्तिक को फोन दे रहा हूँ सर, सॉरी सर। बात कर। हेलो कार्तिक, मैं गिरी बोल रहा हूँ भाई। भाई रिजल्ट आ गया है, तू सिलेक्ट हो गया है, सुपर न्यूज़। सिलेक्ट हो गया? सच बोल रहा है? हाँ सच बोल रहा हूँ, तू सिलेक्ट हो गया है। भगवान मेरा सपना है वो, सच बोल रहा है ना? माँ कसम, आज सुबह सुबह रिजल्ट आया है, कितनी बार फोन किया तुझे, तूने उठाया ही नहीं। तुझे पता नहीं मैं कितना परेशान हो रहा था, तेरे बाप को फोन लगाया, उनसे तेरे मैनेजर का नंबर लेकर तुझे फोन किया, अब देख ले। मेरे बॉस के फोन पर फोन क्यों किया? मेरे बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ग्रेपन की तरह। फोन रख देना। क्या तेरे बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट है? ए, वो कौन सा 30 मार्क है? वो खुद मैनेजर है, मैनेजर बोल रहा हूँ, कहा तो सच मान गया, कितना बड़ा इडियट है। भाई तेरा बाप बोल रहा था भालू सफारी में कैसा दिखेगा, वैसा है तेरा मैनेजर, और उसके तो बच्चे हैं नहीं, इसलिए बच्चों पर जुल्म करता है, ऐसे बोल रहे थे तेरे पापा। थोड़ा ध्यान से रहना, ठीक है? क्या हुआ रे? तेरा बाप तुझे मेरे पास लेकर आया था, आंखों में आंसू लेकर मुझसे गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे बेटे को काम दे दो। तू और तेरा परिवार मेरा बैकग्राउंड जाने बगैर, मेरा पावर जाने बगैर, तू और तेरा वो पागल दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हो रे।
तुझे कल ही डिसमिस करवा कर आईएएस ऑफिसर को बोलकर तेरे कंप्लेंट करूंगा, देख लेना, और पुलिस लॉकअप में डलवा दूंगा। हाँ। ए, अपनी लिमिट क्रॉस मत कर, समझा? कंप्लेंट करेगा, कंप्लेंट करेगा, कर, कर कंप्लेंट, कर। अरे क्यों मार रहा है? अरे यार क्या हो गया तुझे? ए, तू क्या कंप्लेंट करेगा? मैंने ऑलरेडी लोकायुक्त में कंप्लेंट कर दी है, पकड़ो इसको। तूने मेरी कंप्लेंट कर दी? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए डमी पीस, जा यहां से। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। भाई बेंगलोर से अच्छा माल आया है। ओए, ये हमारा ही माल है, जाकर देखो। वो कहाँ है? मर जाऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा। इसकी जान ले लो। उठ जा, मुझे तेरे भाई ने भेजा। चलो ये गोली ले, गोली खा ले, गोली दर्द नहीं होगा। चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर तू मुझे पहले बता देता कि बैग यहाँ पर है तो तेरी पिटाई नहीं होती ना। ये वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हाँ, मिनिस्टर के घर में। मिनिस्टर? कौन सा मिनिस्टर? कौन सा मिनिस्टर? बोलना, बोल बोल। होम मिनिस्टर, उनके घर के पीछे वाली जगह में ही है बैग। हाँ, अरे वाह। गिरी, मुझे बहुत खुशी है यार। क्या हुआ, क्या हुआ? तुझे खुशी नहीं हो रही क्या? हाँ खुशी तो है, पर क्या पर? कुछ नहीं भाई, तुझे अगर पोस्टिंग चाहिए तो 25 लाख रुपए देने होंगे। अरे गिरी क्या बोल रहा है तू? किसने मांगा पैसा? उन्होंने। तू परेशान मत होना। देख भाई गिरी, लड्डू मिलेगा सोचकर रोटी छोड़ के आया हूँ मैं। भाई कुछ भी नहीं सुन रहे वो लोग, 25 लाख देने ही पड़ेंगे। पहले मिलवा, बाद में देखेंगे कम करना है नहीं, ऐसा बोल रहे हैं वो। और आधे घंटे बाद राजेश्वरी नगर मेन रोड पे मिलने को बोला है। गिरी 25 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? कुछ, कुछ करेंगे ना भाई। क्या करेंगे? लड्डू खाओ, आज ही स्कैनिंग हुआ है, ट्विंस बताया है। अब उन दोनों बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अरे यहाँ हमारी खूब फटी पड़ी है, तू जा ना भाई यहाँ से। भाई अरे कार्तिक, वो तेरा साड़ू भाई है। चुप कर, चुप कर। अरे कैसे भी करके अगर कार्तिक को बुला लूं और दोनों को साथ में शूट कर दूं तो बैग भी मिल जाएगा और वीडियो भी, फिर प्रॉब्लम सॉल्व ही। अरे मैं हूं चोरों का बाप, तेरी बातों में आ जाऊंगा यही सोच रहा था ना तू, इसलिए आगे भेज के मैं खुद पीछे आया। अब समझा ना तू मेरी बात? वो बैग में मैदा रख कर गया है। ऐसा ही कुछ होने वाला है, मुझे पता था, इसलिए वहां मैदा का बैग रख के इस बैग को वहां से ले आया मैं। ओए, तुझे मैं नहीं मारूंगा, मेरे भाई के हाथों मरवाऊंगा। भाई, 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 मार, पकड़, मार, नहीं, मार उसे, पकड़, मार, भाई, 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 मेरा,
मेरे मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। भाई उन्होंने मुझे शूट कर दिया भाई। बहुत दर्द हो रहा है भाई, भाई मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। भाई, भाई बात कर, भाई, भाई, भाई बात कर, भाई, भाई, भाई बोल, भाई, 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 भाई। उसको मार दिया तो क्या किंग बन जाएगा तू? ए, आजा तुझे भी मैं ही मारूंगा। तुझे मैं मारूंगा या तू मुझे? जरा पीछे मुड़कर तो देख। तो डेड एंड पर आ गया है। चुपचाप से बैग दे दे दे। ओए। हाँ भाई। ऑर्डिनरी बच्चा है, खत्म कर दे। ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ए, पकड़ो इसे। मेरे जीते जी ये बैग तुम्हें नहीं मिलेगा। भागो, 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 पुलिस, भागो, भागो।
चल 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 जल्दी संभाल के चल। रुको रुको गाड़ी रुको। अरे देख के चल। ए सर नमस्कार। अरे चल चल यहाँ बात नहीं करेंगे, बगल में आ जाओ क्लब में। हाँ समझ गया सर। क्लब में आओ वहीं बात करते हैं, जल्दी आ जाना। आता हूँ सर आता हूँ। ए गाड़ी घुमाओ। क्या हुआ बैग है क्या? जम कर भाई। है क्या बैग? अरे बोलो ना भाई, बोल रहा है क्या? अरे हाँ देखा मैंने, एक लड़का बाइक में बैग लेकर जा रहा है। अरे मुझे क्रिश समझ रखा है क्या? मुझसे इतना ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखा करो तुम लोग। भाग यहाँ से। जम कर। बचा ले, कमर तोड़ दी। अब ऐसा ले, रोज बकरे की टांग का सूप दो बार पीते और मुझे उठा भी नहीं सकते क्या? भैया इतने मोटे भैंस के जैसे हो गए हो, कैसे उठा पाए? ए सुन भाई सुन, तूने तूने कार नंबर देखा? कार नंबर क्या है? के जीरो थ्री जीरो थ्री एमजे एमजे थ्री उसके आगे थ्री नाइन फोर नाइन फोर नाइन। तू जाकर अस्पताल में इलाज कर, मैं जाकर बाइक। ऐसा नंबर बताया है कि मिलेगा ही नहीं, जाओ ढूंढते रहो। देखो वो काशी किसी ना किसी अस्पताल में होगा, उसे ढूंढकर खत्म कर दो, जाओ। ठीक है भाई। सुनिए। यस डॉक्टर। ये दाढ़ी शेव करके नाक पर लगी चोट को साफ कर दीजिए। ओके डॉक्टर। अरे तेरी जात का। हाँ नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। क्या है भाई? जैसे आपने बताया था सुपर किलर को फिक्स करके आया हूँ, डेट टाइम जगह फिक्स कर दो, उसके बाद उसका काम तमाम। सुपर भाई सुपर, कमी ना कहीं का, मरने दो साले को, मैं बहुत खुश हुआ। पर वो है कौन? कार्तिक। कार्तिक उसके दोनों पैर तुड़वाकर उसकी आंखों के सामने ही टीवी वालों को मैं पैसे देकर खुद लगवाऊंगा पिक्चर। जान तेरे नाम नरसिम्हा, कहो ना प्यार है। ऐसी पिक्चर देखकर वो रोएगा कि ओहो मैं पुलिस नहीं बन सका, खाट पर पड़े पड़े सड़ेगा और सोचेगा मैं मर जाऊं। ऐसा हश्र करूंगा उसका, ऐसा हश्र करूंगा। वो छोड़ो भाई, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? रात को भाभी पूरा कोऑपरेट कर दिया क्या? अबे शादी के 20 साल के बाद भी मेरी बीवी मुझे कोऑपरेट नहीं कर रही है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है यार? वो तो पेट भर खाना खा के हमेशा चार्ज रहती है और मैं सिर्फ एक रोटी खाने में ही थक जाता हूँ यार। मैं क्या करूँ, मेरी तो समझ में तो नहीं आ रहा। तो फिर बच्चे? रोने से आंख में आंसू नहीं आते। अब तू बच्चों की बात करता है, बकवास। कौन है भाई? क्या है भाई? KA02MJ8488 तेरी गाड़ी है ना? मेरी है भाई। अरे लेकिन मैंने अपने फ्रेंड के बेटे को दे रखी है भाई, क्या हुआ बोलो तो सही। एड्रेस दे। एड्रेस? क्यों? वो मेरी बेटी पर लाइन मार रहा है। तू खुद इतना भद्दा दिखता है तो तेरी बेटी कितनी भद्दी दिखती होगी यार। अरे उसके दिन इतने खराब थोड़ी है कि वो तेरी बेटी पर लाइन मारता होगा। मेरी बेटी मेरी बीवी के जैसी एकदम सुंदर है। तेरी बीवी सुंदर है? उस बेचारी का नसीब कितना खराब है कि तेरे जैसे आदमी से शादी कर ली। ठीक है ठीक है, वो सब छोड़। अब उसका घर दिखा, वार्निंग देनी है। वार्निंग देनी है? तू क्या आकाशवाणी है या मौसम विभाग है जो वार्निंग देगा उसे? लॉ मैटर है ना, पेमेंट देनी होगी तो दिखाऊंगा। चलो चलो आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। चलो आओ आओ। देखो ज्यादा मत बोलो वरना मार खाओगे। ए दूसरा नाम लिखवा ले। मेरी मर्जी, कुछ भी लिखवाऊ, अपने ऑटो पे लिखा है तुम पे। ए, ये मेरे दोस्त का नाम है, तो रिक्शा के पीछे लिखवाएगा? तेरी तो मुझे। ए बकवास मत कर। छोड़ो इनको, ये नाम मेरे बाप का है इसलिए इन्हें गुस्सा आया। छोड़ो इन्हें, इनको गुस्सा आएगा तो मारने लगेंगे। मैं इसका फैन हूँ इसलिए लिखा है, इससे इनको क्या पूछो। शेर का फोटो लगा, नहीं तो लोगों के साथ दोस्ती वाला फोटो लगा, कुछ और लगा। इतने महान लोग हैं उन सब की फोटो लगा, सिनेमा के बड़े बड़े स्टार हैं उन सब की फोटो लगा। ये सब छोड़ के तू मेरे दोस्त का नाम रिक्शा के पीछे लिखवा के घूम रहा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अंकल, अंकल, छोड़ इनको अंकल, इन्होंने पी रखी है, छोड़ो छोड़ो इन्हें।
बाप झगड़ा करता है और बेटा आकर सुलह करता है, मेरी हाय तुम लोगों को लगेगी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कभी खुश नहीं रहेगा। चलिए। हेलो सर, आप कौन है सर? ऑटो वाले भैया, ऑटो लेकर जाओ। अंकल, क्यों ऐसे लोगों को पीने देते हो? देखो क्या क्या ड्रामा कर दिया इन्होंने, रोड पर हंगामा कर रहे हैं। ए, तुझे सवारी नहीं मिलेगी। घर तक छोड़ने के लिए थैंक्स ब्रदर। माँ, माँ देखो तो पापा आए हैं। आ रही हूँ पापा। क्या पापा, क्या देख रही हो तुम? आप क्यों इतना पीते हैं? लड़के वालों ने देखा तो? उनको भी पिला दूंगा। पापा, तुम्हारे पापा तो कभी किसी को पीने नहीं देते थे, लड़ाई के बाद ज्यादा पीने लगे हैं। मेरी बदनसीबी है, चला इधर। कार्तिक, थैंक्स। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मुझे पता है तो कार्तिक ही है। आज के जमाने में लड़के की शादी रुक जाए तो लोग हजारों बातें करते हैं, दो जवान बेटियां घर में हो तो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। उनको लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन मुझे सब पता है, क्योंकि मेरी बेटी पेट से है। उस लड़के ने 4 महीने की पहचान में अपने हरकतें दिखा दी, लेकिन तुम मेरी बेटी से 5 साल से प्यार करते हो, लेकिन कभी भी उसे बुरी नजर से नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि तुम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी रगों में मेरे दोस्त, तुम्हारे बाप का खून है। अंकल, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक, बेटी के शादी के बाद घर वाले लड़के को पहले जमाई बोलते हैं और फिर बेटा, लेकिन तुम मेरे घर के बेटे पहले हो, जमाई बाद में। पापा हमेशा बोलते हैं कि मुझसे ज्यादा उन्होंने तुम्हें गोद में खिलाया है। मैं आज तक सोचता था कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही दिल में हूँ, तुम्हारे घर वालों के दिल में भी हूँ ये आज पता चला। मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, ये 10 लाख रुपए मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। मेरे फोन में 100 का डलवाओगे ना प्लीज? रम्या, शादी के लिए पैसे का इंतजाम कहां से करूंगा? तेरे हाथ से है चुनरी, सुन ले सुकुमारी, दिल के मेरे हर धड़कन हारी, तू अब आ जा रे, प्यार की बूंद बरसा जा रे, जान मेरी यही मौका है, अब ये दूरी खत्म पूरी कर दे दिलों की। सुन ले सुकुमारी, छूटी तेरे हाथ से है चुनरी।
जिसमें डूब के भी हाँ मन मेरा मुस्कान धीरे धीरे मन मेरा मुस्कान तू है तू ही है मेरी खुशियों की सौगात तेरे सदके मेरा प्यार है खरा तू ही मेरा जानी जान बन के बिजली दिल पे गिरे अदा तेरी हाय सुन ले के लिए 10 लाख नौकरी के लिए 25 लाख कहां से लाऊंगा इतना सोच मत भाई ऊपर वाला देर तो करता है लेकिन जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है आंटी के पति को सब पता चल गया वही है क्या तू रुक 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 उसने कहा था कि उसके पति को चेक्स की शर्ट बहुत पसंद है तू भाग्य लक्ष्मी का पति है क्या नहीं है कौन हो तुम लोग हाँ एक बार कृष्णा लेआउट की सुजाता का नया लफड़ा चालू हुआ था उसके पति को पता चल गया क्या उसी ने भेजा है क्या तुम्हें कौन से सुजाता भाई फोर्थ क्रॉस सुजाता है या फिफ्थ क्रॉस सुजाता है फोर्थ फिफ्थ फोर्थ क्रॉस वो फिफ्थ क्रॉस सुजाता मेरी बीवी है बे अगर वो होती तो मुझे सुसाइड करना पड़ता छोड़ दो छोड़ दो इसे अरे तुम 10 होकर भी एक को पीट नहीं पाए नाम बताओ सारे नाम बताओ बकवास के लोग तू बड़ा मर्द है
छू मुझे, छू, मर्द है तू। अगर ये मर्द होता तो सबसे पहले आकर लड़ता, 10 लोगों को आगे भेजकर सबसे पीछे नहीं खड़ा रहता। वो बंद रख। अब पीट कर पूछना चाहिए या पैर पकड़ कर पूछूं? अरे बाप रे। बैठ कर बात करें क्या? ओके। मेरा एक बैग है तेरे पास, वो मुझे दे दो। 3 लाख मैं तुम्हें दूंगा, समझ गए? 3 लाख? ए, वो पीछे वाली गली में ही रहता है भाई, वहाँ तक ऑटो में जाने के 20 रुपए लगते हैं, 3 लाख क्यों? देखिए आप जो बोल रहे हैं। 5 लाख दूंगा। 5? क्या? 10 लाख? 15 लाख? 20 लाख? 25 लाख फाइनल। 25 लाख? अरे बाप रे। आपने 25 लाख डिसाइड किया था ना, इसीलिए मैंने बोला। हाँ। अरे मैंने तो कहा था कि दूध में नींबू डालकर उसे फाड़ दो, तुम लोग दूध में शक्कर डालकर उसे मिल्क शेक बना रहे हो। अरे लोग मुझे क्यों मारे जा रहे हैं? अगर उसे मारा होता तो तेरे 25 लाख बच गए होते, गधे के बच्चे। अबे तेरी तो। चुप। 25 लाख मतलब बैग में क्या हो सकता है? जो भी हो हमें क्या, भगवान दे रहे हैं, ले ले। पुलिस बनने के बाद ये केस भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फाइनल, मैं 25 लाख दूंगा। 26 लाख फाइनल दोगे? 26 लाख? ए, बैग किसके पास है? उसे देने का 25 लाख दे रहा हूँ, तो तुझे 26 क्यों चाहिए? तो सिर्फ इसे पीटते, मुझे क्यों इतना पीटा? तुम्हारी मार से मेरा बदन लाल हो गया है, गले में भी चोट लगी है, अस्पताल का खर्च क्या तेरा बाप देगा? तेरा बाप देगा क्या, ये पूछ रहा है? जवाब दे। ठीक है, 1 घंटे में फोन करता हूँ, जो जगह बताऊंगा वही बैग लाना, पैसे दूंगा। ओके चलता हूँ, चलो। सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरी सारी गलतियों को अनदेखा करके आप मेरी इस तरह मदद कर रहे हैं। इस नालायक को खाकी नहीं पहनने दूंगा मैंने सोचा था, लेकिन अब मैं ही अनजाने में इसे खाकी पहना रहा हूँ। बाप रे, तुझे देख लूंगा। उस बैग में ऐसा क्या था, तुझे लेने से पहले देखना तो चाहिए था। पापा, अरे कितना अजीब लग रहा है। क्या हुआ पापा? डॉक्टर बोला सब कुछ घूम रहा है, सुपर हीरो की तरह घूम रहा हूँ मैं, सुपर डिलक्स बस में ड्राइवर सीट पर बैठ के आया हूँ, ऐसा लगता है सब सफेद सा लग रहा है। क्या हुआ माँ? मैं बताती हूँ तुझे, बात ये हुई थी, तुझे पता है ना, तेरी माँ जब भी टीवी देखती है तो दुनिया भूल जाती है। खाने में क्या है? पता नहीं, आज मेरा सर बहुत दुख रहा है, तुम ही कुछ बना दो ना। जब देखो तब नाटक करते रहती है, कुछ भी बोलो तो सर पकड़ कर बैठ जाती है। अबे मोटे, मैं भी तो तुझे झेल रही हूँ। पूरी जिंदगी खराब हो गई है। आटा गूंथते समय आटा खत्म हो गया तो तेरे पापा ने क्या किया जानता है? अरे आटा कहाँ है? सुनिए, पलंग के नीचे है, जाकर ले लीजिए। हॉरर फिल्म देखकर बहुत हिम्मत आ गई है क्या तुझे? मेरा दिमाग खराब हुआ ना, तो कुछ नहीं देखूंगा, आटे की तरह तुझे गूंथ डालूंगा, फिर रोटी बनाकर खा जाऊंगा। पलंग के नीचे छोटे छोटे पैकेट पड़े हुए थे, उसे ले जाकर उसने आटे में मिला दिया। रोटी के साथ अगर सब्जी होती तो कितना अच्छा होता ना। अब ज्यादा मत बोल, नहीं तो रोटी मुंह में ठूस ठूस के मार डालूंगा, ऐसा लगता है जैसे तेरे बाप ने तुझे राजभोग खिलाकर बड़ा किया है। सुनिए, मेरे मायके में आचार भी होता है और चिकन भी। झूठ बोलती है, दावत है बोला था। अरे दावत में बुलाया और 1 पीस चिकन का भी नहीं खिलाया, बात करती है। हाँ तो दावत में बुलाया था, बर्तन धोने के टाइम पर आओगे तो और क्या मिलेगा? जमाई के आने का वेट करना चाहिए था ना उन्हें। लेकिन तेरे यहाँ जब जमाई आता है तो सब सर पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जमाई आया है, अब उसे क्या खिलाऊं। और तुम्हारी माँ क्या काम करती थी, घर के बाहर झाड़ू मारना काफी नहीं था, पूरा रोड साफ करवाती थी। आस पड़ोस के लोग ये भी कहा करते थे कि 2 गली में झाड़ू मार दोगी तो म्युनिसिपैलिटी वाले पगार भी दिया करेंगे। चुपचाप कहना कहना अल्त बात। ये क्या हो गया? ले जा बेटा।
लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मेरे मुंह में लाकर गंगा जल डाल दो भाई, गंगा जल डाल दो मेरे मुंह में। को कुछ मत बोलो। सब इस करम जली की वजह से हुआ है। ए जी खाना बना दो, ऐसा बोली। पता नहीं क्या खा के इसकी माँ ने इसे जन्म दिया। इस करम जली को तो कूट कूट कर मार देना चाहिए। मैंने कहा मेरी माँ को कुछ मत बोलो। अरे कोई तो मुझे बचा लो, डॉक्टर मुझे बचा लो। कार्तिक, कार्तिक एक मिनट सुन। यार गिरी, हाँ? उस बैग में कुछ है शायद। क्या है? शायद ड्रग्स है, उसमें ड्रग्स। वो सब छोड़, उसका फोन आया था भाई, उसने बोला 26 लाख तैयार है। भाई उसमें ड्रग्स हो या कुछ भी हो, 10 लाख देने से तेरा प्यार बच जाएगा और बाकी 16 लाख देकर हाथ पैर पकड़ने से तेरी पोस्टिंग भी मिल जाएगी। तू चल भाई, प्लीज बात समझ। अरे यार बात क्यों नहीं समझता, जल्दी चल, टाइम नहीं है। सब हो जाएगा यार, समझता क्यों नहीं है? चुप कर। सुनिए, आपके पापा को रूम नंबर 6 में शिफ्ट किया है। आपकी माँ को भी रूम नंबर 6 में ही शिफ्ट किया है। क्या हुआ उन्हें? सर, उनका पेट साफ करके उनके स्टूल का सैंपल टेस्ट करने के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट तो कल तक आ जाएगी, लेकिन वो 2-3 दिन तक नींद में रहेंगे। हाँ, सही कहा सर। आपके पापा क्या क्या बोल रहे थे? जमाई को छोड़कर गांव में दावत दे दी, एक हड्डी भी नहीं मिली। खाने पर 3 घंटा लेट आओगे तो हड्डी ही मिलेगी ना तुम्हें। सुनो, पहली रात को लड़का लेट आए तो उसका वेट करना चाहिए, वैसे ही उठा कर रखना चाहिए। हाँ? तो आप भी कम है क्या? बिल्कुल वैसे ही है। नई बहू को मुँह दिखाई पर 100 का नोट दिया था। और क्या करता, 100 के लायक थी तो 100 रुपए। ये दोनों यहाँ ऐसे लड़ रहे हैं तो वहाँ मेरे माँ बाप क्या कर रहे होंगे? हाँ ठीक है ठीक है, चलते चल। चलो चलो, बकवास मत करो, जाने दो मुझे, मुझे बहुत काम है। मैडम, कल एक छुरे से जख्मी होकर एक आदमी एडमिट हुआ था, उसका रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 10। हाँ ओके। आप कौन? हम उसके दोस्त हैं। अगर वो दिखा तो उसे मार डालेंगे। पप्पू, थैंक गॉड सब ठीक हो गया। भाई चलना, उसके पास जाकर पैसे लेकर आते हैं, प्लीज यार। चलना ही है? हाँ भाई चल, ठीक है चल। ओके। ए, 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 कौन मेरा दिमाग खराब कर रहा है? बेटा, मेरी एक ही इच्छा है बेटा, मैं अपने मरे हुए ससुर की समाधि पर जाकर ये करना चाहता हूँ। तो तू चलेगा बेटा? चलो। हेलो 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 हेलो। तेरे बाप की समाधि बहुत दिनों से सूखी पड़ी है, उस पर छिड़काव करके आता हूँ। ओके। फोन भी साथ लेकर जा रहा हूँ। हाँ चल बेटा, तू यही रहना। ओके। हाँ चल बेटा। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पापा ने बचपन में दूध समझकर फिनाइल पी लिया था, तब भी कुछ नहीं हुआ। कोलगेट समझकर ब्लीचिंग पाउडर खा लिया था, वो मोटी चमड़ी है, उसे कुछ नहीं होगा। वो सब छोड़ो नानी, बैग कहाँ है नानी? तू उस बैग को फेंकना चाहता है ना, इसलिए मैंने ही उसे फेंक दिया। फेंक दिया? क्यों फेंक दिया? एहसान चुकाने के लिए बेटा। और 2 महीने रुकोगी तो मिट्टी का एहसान चुका दोगी। ओए। अरे कौन है बे? ओए। 3 दिन बचे हैं, पैसे दे दो तो बैग मिलेगा। मैं अपने जुबान का पक्का हूँ, हाँ टाइम पर पैसे लाकर दे दूंगा, जाइए अभी जाइए। चूक गया तो जानता है ना। अरे समझाइए। बोला ना दे देगा, आप निकल यहाँ से, नहीं तो काउंसिलर एरिया की सफाई करने की बजाय लोगों को ब्याज पे पैसा देता फिरता है, सारे न्यूज चैनल में कंप्लेंट कर दूंगा।
वीडियो बना रहा हूँ, जाओ यहाँ से। जा दे दूंगा, जाओ, चलो जाओ, निकलो। तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? अब क्या बताऊँ मैं, मेरे पति के घर वालों ने कहा कि वो कलेक्टर है। अरे यार, वो टैक्स कलेक्टर नहीं बल्कि बस का टिकट कंडक्टर है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्पोरेशन कलेक्टर वो भी सीधा बड़ी डील पर हाथ मारता है जो और कोई नहीं करता। क्या हुआ? सही कहा तूने, कोई नहीं करता। देख वहाँ। हाँ? पता नहीं यार कहाँ कहाँ हाथ मारना पड़ेगा बैग के लिए। ओ गिरी, 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 बैग मिल गया। अरे बैग मिल गया। मेरा तो सिक्कों से गुजारा हो जाएगा, पर तेरा तो दूध के पैकेट्स, खाली बॉटल्स, फिर जाके सिक्के आएंगे, उसी से गुजारा करना। ये अब तो काम हो जाएगा। ये रम्या, वो पुलिस ट्रेनिंग में बॉम्ब डिटेक्शन टेस्ट होता है, इसीलिए यहाँ सब देखकर टेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वो लोग सैटेलाइट से देखते हैं। ठीक बोला ना। मेरा तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर तेरे साथ ऐसा क्यों? चल यहाँ से पागल। मेरी बात रम्या, रम्या, ए रम्या। अरे छोड़ ना भाई, जब पैसे आएंगे तो रम्या क्या, रम्या की माँ भी आएगी। क्या सिजेरियन कराना ठीक होगा या फिर नॉर्मल कराना ठीक होगा? अबॉर्शन करा ले जा। वो कहाँ होता है? तू मुझे मिलिट्री होटल लेकर जा रहा है ना? होटल जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद दारू पियेंगे। ब्लड नहीं। ये क्या, मैंने कहा था ब्लड नहीं लेकिन ब्लड फ्राई मिल गया। ब्लड बैंक वाले। भाई ये तो पुलिस लेके आ गया। आइए सर, आइए सर, देखिए सर, इधर आओ। वो दादा के सर, उस बैग के बदले ये लोग 26 लाख रुपए ले रहे हैं। इसका मतलब उस बैग में क्या होगा सर? आपकी शक्ल दूध बेचने वाले जैसी लग रही है तो कोई बात नहीं, अब आपका फायदा कराता हूँ सर। इन गधों को पकड़कर आपका प्रमोशन हो जाएगा। डीएसपी बनकर मिलिट्री ज्वाइन करना, कारगिल चले जाना सर, वापस मत आना, इनको छोड़ना मत सर। ए, सर, सर, आपको नहीं सर। अरे आज के जमाने में लोग छोटा मोबाइल लेकर चलते हैं, आप ये ईंट जैसा मोबाइल लेकर क्यों चल रहे हैं सर? अरे थू है आपके औकात पर। अच्छा ये सब छोड़िए सर, इन्हें जल्दी से पकड़िए सर, पकड़िए इन्हें। अरे पकड़ो ना इनको। अच्छा तो ये बैग देने से 26 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ सर मिलेगा। अच्छा तो जल्दी जा, जा 26 लाख लेकर तू पुलिस बन जा। मैंने एक नेकलेस का ऑर्डर किया है, उसके लिए पैसे नहीं है, जल्दी जा और पैसे लेकर आ, पैसे लेकर आ जल्दी जा। सर, 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 अबे तेरी तो यहाँ सामूहिक बलात्कार हो रहा था, तुझे बचाने के लिए बुलाया तो तूने बलात्कारियों को ही बचा दिया। अबे तू है, तुझे पुलिस की नौकरी किसने दी गई? अबे तुझे चोर को पकड़ने के लिए बोला तो तू हाथी जैसा पेट लेकर खड़ा ही रह गया है। तू जैसो को तो मीडिया बुलाकर बदनाम करना चाहिए। मैं भी मीडिया को बुला के लाता हूँ, रुक जा। हाँ मीडिया से याद आया। हाँ? उस दिन मीडिया में तू ही 3 दिन तक छाया था ना? 3 दिन तक टीवी पर तेरी चर्चा हो रही थी ना? क्या करूं सर, हैवी टीआरपी है। अच्छा ए, कचरा खाने वाले गधे औकात देखी है अपनी तूने? तू मेरी कंप्लेंट करेगा, बिस्किट खाने वाले कुत्ते कंप्लेंट करेगा। बेटा जरा इधर आना। तू इधर आ बेकालू। ओए मुंह क्या देख रहा है, इधर आ। हाँ क्या है? तेरे पापा घर पे है क्या? अंदर ही है, जा जा जाना। पुलिस है यार, पुलिस, पुलिस, जल्दी आओ। शिट। तेरे बेटे का नंबर कौन सा है? उसके पास कोई नंबर नहीं है, डॉक्टर ने 2 जुलाई का डेट दिया है, उस दिन तुम आना, मैं तुझे बताऊंगा कि उसका नंबर क्या है, उसने किसका फोन लिया है। बेटा, बेकार बेटा।
भाई रोड पर सब हमें चोर की नजर से देख रहे हैं। छुप कर जो करना था कर दिया, अब डर लग रहा है इसे। चुप रहे भाई, बाद में मैं ही चोर हूं बोल दिया तो पुलिस की नौकरी भी चली जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। रम्या तू रुक, मैं आता हूँ। बीच में ही छोड़ के जा रहा है। रम्या, मेरी बात तो सुन, एक मिनट। रम्या छोड़ो मेरा हाथ, मुझ पर विश्वास है नहीं, मुझ पर एक बार भरोसा तो कर प्लीज। ये राइटर का नाम नहीं चाहिए, आज सुबह ही आया हूँ, अब पता है इसकी कहानी क्या है, स्टेटमेंट लेकर आता हूँ। कौन हो तुम लोग, यहाँ का पेशेंट क्या है? ए, 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 आ, चल रहे। ए, रुक, ए, ए, बैठो। ए, पकड़ो पकड़ो उसे। ए, तू उधर जा। कौन है भाई? हेलो, तेरे बाप को किडनैप किया है। हैं? क्या किडनैप? तेरा दिमाग तो ठीक है ना, करोड़पति को किडनैप करते हैं और तूने भिखारी को किडनैप कर लिया है। पागल पागल। अगर तुझे तेरा बाप वापस चाहिए तो। माँ कसम नहीं चाहिए, क्वार्टर दिखाते तो वैसे ही आ जाता मेरा बाप, किडनैप करके तुमने अपनी मेहनत खराब कर ली। एए, एए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं भी सीरियसली ही बोल रहा हूँ। देखो मर्डर वर्डर मत करना, एक्सीडेंट की तरह हाथ पैर तोड़कर छोड़ देना, इंश्योरेंस क्लेम करके दोनों 50-50 कर लेंगे, ठीक है? हेलो हेलो हेलो, चलो पैसा बनाएंगे, बोलता हूँ तो कोई मदद ही नहीं करता है। कार्तिक, ए कार्तिक, ओए, अरे तू ही है भाई, कमाल है भाई। कैसे किया भाई, अभी तू यहाँ से गया और अभी इस तरफ से आ गया, मैं ही धमकी देने जा रहा हूँ तो मुझे ही कोई धमकी दे रहा है कि तेरे बाप को किडनैप किया है। हाँ क्या मैजिक करता है। चोर कहीं का कुछ 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 कुछ। बस यही बात है। ओके तुम एक काम करो, हॉस्पिटल जाकर माँ बाबा को देख लो, मुझे थोड़ा काम है वो खत्म करके आता हूँ। ओके बाय बाय। आसमान से टपका खजूर पर अटका यार। भाई वो पुलिस वाले मेरी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, थोड़ी मेरी मदद करो। चलो चलो। आज मेरी किस्मत ही खराब है लगता है। थोड़ा जल्दी चलाओ ना भाई। हाँ बोलो बोलो रंगा भाई। कहा मतलब, मैं अपनी एक बात पर टिका रहता हूँ समझे। कहाँ है सर? आप आए ना लाइन पर, मिलने ही आ रहा हूँ। बैग चाहिए कि नहीं? चाहिए। पैसे तैयार है ना? हाँ हाँ। 500 के हैं या 1000 के नोट हैं? 1000 के हैं। ओए आजकल 500 और 1000 के नोट बहुत फर्जी है मार्केट में, तुम 100 के नोट की गट्टी मंगवा लो। हेलो हेलो, कैसा भाई? औरंगा हमारे साथ डबल गेम कर रहा है भाई, उसने आपको गलत नंबर देकर 25 लाख रूपए में डील कर लिया भाई। उसने 25 लाख में बात की है ना, तो तू 35 लाख में बात कर, मैं अभी आता हूँ। हेलो भाई, आपके डबल गेम के बारे में दीना भाई को पता चल गया है। हाँ भाई। ओए, माँ का दूध पीने वाले बेटे, ठीक से सुन ले, बाइक का नंबर गलत दिया होगा, लेकिन मैं तेरा डेथ नंबर सही दूंगा, अगले 10 मिनट में तेरा काम तमाम। मुझे वो बैग किसी भी हालत में चाहिए, जाओ ढूंढो उसे। रम्या, कार्तिक, कार्तिक, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, जल्दी आओ। कहाँ है तू अभी? हेलो,
हाँ भाई भाई ठीक है। ओए 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 चले भाई बनने वाला कार्तिक ड्रग माफिया में फंसकर एक ही दिन में उसने 12 कत्ल किए हैं और कत्ल करके वो भाग चुका है और ड्रग्स लेकर उसके माँ बाप बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उसी वक्त उसके पिताजी अचानक लापता हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कार्तिक की गर्लफ्रेंड राम्या भी इन सब में शामिल है। कार्तिक ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? थैंक यू सर। कार्तिक सिर्फ यही खून नहीं, बेंगलोर के खून, मैसूर के इंस्पेक्टर का खून, सारे खून के केस तेरे ऊपर डाल दिए हैं भाई। भाई अब क्या करेंगे, इससे कैसे बचेंगे? पुलिस तुझे हर जगह ढूंढ रही है भाई। मैं पुलिस में हूँ इसलिए मेरा घर सर्च नहीं किया, नहीं तो। हेलो, तेरा बाप मेरे कब्जे में है, अगर वो चाहिए तो मुझे वो बैग ला कर दो। कहाँ? किंग हूँ, मैं स्टाइल का किंग हूँ।
तक नहीं मिल जाते। ये बैग मैं नहीं दूंगा। भरोसा नहीं है। ये बैग यहीं रहने दो, चाबी मैं ले लेता हूँ। और सुन, तेरे पापा मिनरवा में हैं, उन्हें ले आ, मैं यहीं पर हूँ। तब तक मैं यहीं डांस कर रहा हूँ। नाम मेरा तेरी नींद उड़ा दे। अरे आशिक तू मेरा कह दे मुझसे, कोई जो पंगा ले मुझसे, कर दूँ मैं खात्मा रे। बन जा मेरी दिल का शहजादा, दिल की तू सुन ले। मैं स्टाइल का सुल्तान हूँ, से हो जा दुरुबरू। रग रग मिसल बसा मेरे निसा गमा गमा पा। किंग हूँ किंग हूँ स्टाइल का किंग हूँ। मेरे जहां रे धीरे धीरे दिल में तू मेरे फिक्स हो गया रे। चक्कर में सारी दुनिया है, घूमे पीछे मेरे। तुझको देख के एक्साइट हूं, रे कहां से है आई तू। गिरी पापा कहां पता चल गया? कहां है नहीं पता चल रहा है। कार्तिक पापा मिल गए हैं। किंतु स्टाइल का किंतु स्टाइल का किंतु। जानू जानू तू होगी सबकी जानू, पर मैं तो यही कहूँ ना, मैं आया तेरे दिल की सुन ले। कहाँ है भाई? आ गया आ गया। हाँ दिखा दिखा। हाँ हाँ ओके ओके ओके। क्या कार्तिक, क्या है ये सब? अगर काशी ने बैग नहीं लिया तो किसने लिया होगा? हेलो काशी, धोखा दे दिया ना। ओए, मैंने धोखा राम के साथ नहीं किया, तेरे जैसे रावण के साथ किया है। तू मेरे साथ खेलता है? मैं एक बार डिसाइड कर लूं तो वो भगवान भी तुझे बचाने आए तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? बैग कहाँ है? कौन सा बैग बेटे, स्कूल का बैग या वैनिटी बैग? ओए, मुझे जब तक बैग नहीं मिलता तू तब तक सेफ है। तू जब तक मेरी नजर के सामने नहीं है तब तक तू सेफ है। मैं पैदाइशी चोर हूँ, मैं पुलिस बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। बैग चाहिए तो आ जा। आता हूँ, समझा? ए, बैग ही नहीं है और तू बैग के बारे में बात कर रहा है। भाई मुझे टेंशन हो रही है। गिरी, टेंशन में भी जो कूल रहे वही है असली किंग। देख, पहले उस गंजेदीना को पकड़ना है, फिर उस काशी को पकड़ना है, साथ साथ उस काउंसलर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके बैग को अपने कब्जे में करना है, तब जाकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओ, 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 लेकिन वो बैग कहाँ है? बैग यहाँ है। पुलिस वालों को फील्ड में उतारा तो वर्कआउट नहीं हुआ, चोरों को फील्ड में उतारा तो भी नहीं हुआ, आखिर में मामा ही फील्ड में उतरा, वर्कआउट हो गया। आई, जब तक मैं फील्ड में नहीं उतरा था तब तक दूसरों का राज था। हवा मेरी हवा मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रही है तो दूसरे कैसे बर्दाश्त करेंगे? कार्तिक अब क्या करेंगे? हेलो भाई, तुझे बुला रहे हैं। गिरी, मैं वहां अपना फोन ऑन करके जा रहा हूँ, तू सब सुनना। हाँ। अगर तुझे कोई गड़बड़ लगे तो तुरंत पुलिस और मीडिया को बुला लेना। हाँ, हाँ, ओके। हाँ। भाई ध्यान से,
फोन ऑन किया? हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हैं, यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं अपने दोस्त से मिलने आया था। ट्रिपल एक्स में हेयर स्टाइल देखने आया था, बोलेगा तो मान जाऊंगा क्या? कैसा था आइटम डांस? ये बात नहीं करेंगे क्या? भाई ने आज मौन व्रत रखा हुआ है। मौन व्रत? वो क्यों? इनकी माँ को उनकी माँ की याद आ गई तो वो ऊपर चली गई, उसी पश्चाताप में मौन व्रत रखा है इन्होंने। आज कोई परेशानी है क्या तुमको? मौन व्रत रखकर ये वहाँ गए थे? भाई की जुबान छोड़कर बाकी सब वर्किंग कंडीशन में है, समझे? मोस्टली वो बिस्तर पर लेटेगा तो ये बिस्तर के नीचे लेटकर साउंड इफेक्ट देगा। ओए, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, पैसे दे दे फिर बैग दूंगा, नहीं तो ये बैग तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगा। हैं? तुम दोनों एक जैसे दिखते हो पर अलग अलग हो, यह हमें पता चल गया है। बैग कहाँ है मुझे बता दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। पैसे दे तो बैग दूंगा। भाई बैग उनके पास है। सच में भरोसा नहीं होता ना? वो देखो काउंसलर, वो बैग। पैसे लाओ बैग दूंगा। पैसे देने से बैग दे दोगे? गारंटी ना? देखा ना, पैसे देने से बैग देगा। ओए, ये कहां से बिचौलिया आ गया? ओ अरे आप इन्हें नहीं जानते हो भाई। अरे जब ये लोग घर से निकलते हैं तो सफेद कमीज पहनकर चलते हैं, शाम को जब वो घर लौटते हैं तो देखते हैं पूरी की पूरी कमीज लाल हो जाती है। खून से बिल्कुल कमीज लाल हो जाती है भाई। तू उनके सामने मत जाना, बाल भी बड़ा रखे हैं, अच्छा ग्रिप है, सोच कर कहीं कुत्ते की मौत ना दे दे वो तुम लोगों को। हमारे छोड़ो, हमारे बॉस के बाल तो लंबे नहीं है ना, जहाँ लंबा मिलेगा वहीं से पकड़ कर मारेगा। मेरी बात सुनिए सर, इसको अरेस्ट करो, इसको भी अरेस्ट करो। हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को छूने की? डोंट टच माई बहू। हु आर यू? आई सेड हु आर यू? छोड़ो, गेट आउट। अरे ये क्या है, क्या है आपके पास? क्या है, आप अरेस्ट वारंट लाए हैं क्या? अगर मेरी बहू को हाथ लगाया ना तो चप्पल से चेहरा लाल कर दूंगा और थोबड़ा जो है ना फिस्ट क्यों कर दूंगा। हिंदी में मारो ना सर, चलते हैं। अभी तो बहुत इंग्लिश झाड़ रहे थे, ले चलो इसे। हाँ बोल रम्या। वो कार्तिक वो काउंसलर के टिम्बरलैंड जा रहा है, ओके? उसके साथ वो गांजा गैंग दीना भी जा रहा है। मुझे अगर गड़बड़ लगी तो मैं पुलिस और मीडिया को लेकर वहाँ आऊंगा। तू भी वहीं आ जाना। चलो हम भी टिम्बरलैंड चलते हैं। चलो आओ जल्दी चलो। बोल भाई, अच्छा माल मिला है, फ्रेश है, डालो तो। ए, कौन सा माल है ठीक से बताना, नहीं तो ये माल समझकर वो मूड बना लिया तो। हमारी भाषा में माल का यही मतलब होता है। जल्दी बोल बे। भाई बड़ी कड़क पार्टी है, दिखने में किलर जैसा लगता है। ये तो बहुत ही बेवकूफ है, डाबरमैन को जंगली शेर बोल रहा है। ऐसा वैसा नहीं है भाई, छोड़ दिया तो अजब अजमल श्रीलंका संगकारा के पास चला जाएगा। सुन, उसको बोल पाकिस्तान के अफरीदी के पास, ऑस्ट्रेलिया के क्लार्क के पास, न्यूजीलैंड के मैकलन के पास चला जाएगा। ओए, वो कोई भी हो, मैं अभी टिम्बरलैंड जा रहा हूँ, तू उसे भी वहीं ले आ। लेकर आता हूँ भाई। वेरी गुड वेरी गुड। चोर कहीं का तू सब सीख गया, कितनी अच्छी बातें करता है। अब बिजनेस में ये सब होता ही है। हमें सब पता चल गया बेवकूफ, चल चलते हैं। भाई भाई आए हैं, वो बैग दे दो। बैग दे दे। ए, पैसे कौन देगा, तेरा बाप देगा?
वो बैग मेरा है, पहले इसके पास था, अब तेरे पास है, चुपचाप से दे दे। ए, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं उससे हम सामान लेकर रख लेते हैं, अब रिजर्व बैंक वाले आकर बोले कि रुपए हमने प्रिंट किए हमें दे दो तो दे देंगे क्या? जा यहाँ से। देख ठीक से सुन लो, वो बैग मेरा है, दे दो। ए, क्या बैग बैग लगा रखा है? पहले रेलवे स्टेशन में कुली का काम करता था क्या? तुझे सीधी सी बात भी समझ में नहीं आती है, कान बड़े हो गए हैं पर तेरी बुद्धि बड़ी नहीं हुई, हाथी जैसे कान देखकर हम तुमसे डर जाएं क्या? पैसा दो तभी बैग दूंगा। ओए, वो अगर खिचड़ी बोलता है तो तू मसाला खिचड़ी मिलाकर बोलता है क्या? एए, ट्रैफिक पुलिस एक बार हाथ दिखाए तो सारी गाड़ियां नहीं रुकती क्या? वो पुलिस सबके पास जाकर रुको रुको थोड़ी ना बोलता है, वैसे ही हमारे भाई थोड़ा बोलते हैं पर वजनदार बोलते हैं। ओए भाई, एक मिनट मैं बात करता हूँ। तुम लोग भाई को ठीक से जानते नहीं हो, इनका दिमाग सनक गया तो तुझे खत्म कर देंगे, वो तो तू मौन व्रत है इसलिए चुप बैठे हैं भाई। पैसा दो और बैग लो। ओए, वो इतना बोले और तू थोड़ा सा ही बोला। टैंक कितना भी बड़ा हो नल से पानी थोड़ा ही आता है, वैसे ही भाई कितना भी बोले उनका मतलब इतना ही होता है, पैसा दो तभी हम बैग देंगे। हाँ। इन लोगों को बताना ही पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम भी कौन हैं तुझे बताते हैं। बहुत पटर पटर बोलता है भाई, इस साले के मुंह में एक गोली मार देता हूँ। मुझे छोड़ दो, पागला हो यार, पागला हो। ये ना, अब तो मुझे छोड़ दो, ये ले छोड़ देता हूँ। बैग कहाँ है? वो बैग है, मुझे जो चाहिए वो बैग। ओए, मारो साले को। भाई बताया था ना यही है। मूड नहीं है, जीप में पैसे देकर माल ले लो। क्या बोला रे? मिर्ची की तरह तीखापन और तुझ जैसे लोगों से करना, दोनों बातें मुझे नहीं जमती। पहले टेस्ट कर, उसके बाद पैसे की बात कर। ओए, ये तो मेरा ही माल है। पकड़ो इसे। छोड़ मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये तो बेईमानी है यार। अरे मैं तो बेटे को पकड़ कर बाप के पास ले आया। दादा, दादा, बॉस आप आ गए मुझे बचाने, बैग लेकर कर। ए जो उखाड़ना है उखाड़ लो, गुरु दादा आ गए, गुरु दादा आ गए। अरे रे, ये तो मेरे ही बात लगाने पर पड़ा है। ए सुनो सुनो, ए छोड़ो छोड़ो, ए भाई 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 भाई, प्लीज 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 मेरी बात सुनो भाई भाई। इधर आओ, इसे इधर आओ, सुनिए। ए छोड़ दे, बॉस बॉस, ओए मेरे बॉस को मत मारो, मुझे मार लो, मेरे बॉस को मत मारो, मारो इसको। छोड़ दो यार, उस बेचारे ने कोई गलती नहीं की है, उसे छोड़ दो। अरे मेरी गलती की सजा उसे मत दो, उसे छोड़ दो। ए तू जा, जा यहां से जा। थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस, गुरु दादा की जय, गुरु दादा की जय। इसको पकड़ के रखो, उसका बॉस यही है, मारो इसको, मारो। ये दुनिया तो कठपुतली है जिसकी डोर तो शिवजी के हाथों में है, और इस सुंदर दुनिया का तू एक शिकार है, और इसकी डोर जब तक एक दिखती है, काल शनि का होता है। ए, तुझे दो ऑप्शन देता हूं, बैग चाहिए या जान। बैग चाहिए तो जान ले लूंगा, जान चाहिए तो जिंदा छोड़ दूंगा।
ओए, अकेला आया है तू, ऐसे ही छोड़ देंगे तुझे? शेर अगर अकेले आया है तो वॉकिंग करने नहीं आया है, शिकार पे आया है शिकार करने। शिकार तू करेगा कि मैं करता हूँ, देखते हैं। तेरी नजर में जब तक नहीं आऊंगा मैं सेफ हो, कहा था ना? सही कहा था तूने। तुझे जीना होगा, मर नहीं सकता तू। अरे देख क्या रहे हो, लगाओ टेप, लगाओ जल्दी, फायरिंग भी हो गई है, टेप लगाओ। हाँ लगाओ। मेरे मरने के बाद मुझे याद करने वाला कोई नहीं है, पर तू मुझे भूलेगा नहीं। इतने समय से चल रहे ड्रग माफिया रैकेट को पुलिस को पकड़वा कर कार्तिक ने खुद को निर्दोष साबित कर दिया है। कार्तिक के इस साहस के लिए उसे सम्मानित भी किया गया है और साथ में कार्तिक के प्रमोशन के लिए भी सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ कार्तिक का वैवाहिक जीवन भी शुरू हो गया है। हमने कुछ नहीं मांगा, ये हमारी गलती नहीं है, पर उसने कुछ नहीं दिया ये उसकी गलती है। मेरा ससुर लोफर था, पर तेरा ससुर तो थर्ड क्लास लोफर है। कौन है बे? मैं थर्ड क्लास है, मैं लोफर हूँ। मैं छोड़ दे, चुप हो जा रे। अरे तुम लोग नहीं जानती हो, ये बहुत ही लालची आदमी है। 500 रुपयों के लिए ये 3 दिन तक लाइन में खड़ा रह सकता है। 500 रुपए के लिए मुजरा भी करूंगा। अरे तो सबके सामने कर भी मुजरा, यहाँ पे नोटों की बौछार होगी। अरे चलो तुम लोग सब चलो, चलो चलो मुझसे बात कर। अरे तू समझ नहीं रहा है, हेलो मेरे को हाथ मत लगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो 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 तुम लोग चलो। तुम गैंग तो तुम मरे नहीं? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे सच और झूठ की अच्छी पहचान है। लेकिन एक बात है, तू पैदा ही पुलिस बनने के लिए हुआ है, ये बात मैं मान गया हूं। मैं भी मानता हूं तू पैदाइशी चोर है, लेकिन सुन, एक ना एक दिन तुझे जरूर पकड़ूंगा, ट्राई कर ले। नहीं